ये क्या हुआ, इशारा टूट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआएं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ जा रहा हूँ डेर की, मुझसे एक दोस्त मिलने के लिए आ रहे हैं लाहौर से, तो उनके साथ मिलेंगे और उसके बाद हम डेर की को कुछ देखेंगे। दरअसल वो जो हमारे लाहौर वाले भाई हैं ना, वो यहाँ पर आए हैं तबलीग वालों के साथ, तो उनकी तश्कील हुई है हमारे इलाके में। तो उन्होंने कल मुझे कॉल करके बताया कि भाई हमारी तश्कील जो है ना आपके इलाके में हुई है, तो मैंने कहा चलो उनसे मिलाते हैं। या भाऊ मुतलिब खान चाचड़ थंबो ठाए रहा आहन, थोड़ो डिंगो फिडो थी आए खैरा, पहले दफो मिस्त्री साहब उठाइंदा पिया हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम देखे जी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। हम दरअसल जा ढेर की रहे थे, मेरे कज़न को छोड़ना है वहाँ पर अड्डे पर, वो वहाँ से सखर जाएगा। यहाँ पर हमें थोड़ा काम था, ज़मीन देखनी थी, तो आप भी देख लें। गांव वालों की ड्राइविंग अल्लाह माफ़ी, कहीं से भी रास्ता मिले बस निकाल लो, कोई परवाह नहीं करते कि गाड़ी को कुछ होगा नहीं होगा, बस निकालो। आप ये जगह देखें ना, मैं गाड़ी निकाल कर लाया हूँ, ये अभी यहाँ से निकालनी है। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बाइक यहाँ से निकाल ली, पीछे हमारे कज़न अभी आ रहे हैं। फ्री में सक्कर रोड़ी ऐसे ही। डेर की जो माशाल्लाह मशहूर तरीन वडो अडो यो आए, बस एकड़ो ही आए डेर की में अडो जो कोई यो आए। इतने हूँ पेंजे भाव के छड़ा थो, अगते कैसा मिलनो आए तो ओडे वना थो। साईं असांजा बाहर आहे न, हे सखर वञी रहिया आहे। जब भी हम ऐसे रास्तों पर आते हैं ना, तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है रास्ते में जैसे भोले बनकर। अभी यहाँ से मैं हाथ मुँह धो लेता हूँ। हाँ तो जी, लाहौर वाले भाई को तो हमने बहुत ढूंढा यहाँ पर, जो उन्होंने मस्जिद बताई थी वो तो किसी को पता ही नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है कि मस्जिद का नाम लोगों को पता नहीं होता है। मैंने एक दो बंदों से पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमें नहीं पता। तो खैर, अब मैं वापस जा रहा हूँ, उनसे नहीं मिलते। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाली, ये आप देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों की दौर की जो है ना जेल है डेर की। वैसे देखने से मुझे नहीं लगता कि ये इतना पुराना है, पर हाँ लोग कहते हैं कि ये बहुत पुराना है। पुलिस स्टेशन अंदर है तो इसकी हालत और भी ख़राब है। तो जी अभी यहाँ पर आए हैं तो इस पीर से भी होकर चलते हैं, और मेरे ख्याल से अजानें हो रही हैं तो नमाज भी पढ़ ही लेते हैं। ये तख्ते का पुल बना हुआ है यहाँ पर। तो जी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर। अक्सर लोगों को मसला यही होता है कि कोई गाड़ी ना चुरा कर ले जाए। हमने गाड़ी यहाँ पर छोड़ दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वहीं पर ही खड़ी है जहाँ पर हमने छोड़ी थी। तो चलिए चलते हैं। ये क्या हुआ, इशारा टूट गया। असल सबील कहते हैं इसे। ये पूरा साल जो है ना यहाँ पर ये कूलर पड़े होते हैं, इनमें पानी ये दुकान वाले जो है डाल देते हैं, और रस्ते से आने जाने वाले यहाँ से पीते हैं।
कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मुझे अभी प्यास लगी थी, मैंने भी यहाँ से पानी पिया है। हाँ तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुँच चुका हूँ और आप मेरी हालत देखें, जो भी इस रास्ते पर सफ़र करता है ना तो वो या तो वहाँ पहुँच कर या फिर घर लौट कर ऐसा बन जाता है जैसे भोले बंदर। अज आऊँ वरी इतने मोटी आयो आया जै सोट के पुजैन आयो हुस उनके चैनो आए। फिलहाल उनको इंतजार पाया क्यों तो वे अचन तो उनके चाय कर हलो। मुझे आसे पासे जो नज़ारो तुम दिखाईस ये सही दरगाह आलिया भरचूंडी शरीफ है। तो जी ये अभी हम खाना का मोड हो रहा है गोलगप्पे, अभी हम ये खाएंगे। शाम हो चुकी है और मगरब की अजान होने वाली है, जिसका हमें इंतजार है वो अभी तक नहीं पहुँचे। यहाँ बाईपास पर जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं जैसे भी ये गुजरती है तो मेरा मन करता है कि इसी पर बैठूं और जहाँ ये जा रही है वहाँ चला जाऊँ। मिल और मैं इस वक्त जाऊं वो है ये इंजीनियर की शाम की रौनक है। शाम के टाइम पे ये सब्जी बहुत सस्ती होती है। कुछ बोले नहीं कुछ तो बोले जी यही है मैं यही है वो मेरे अमीर साहब जो लाहौर से आए थे नहीं आगे ना जाए